ओम शांति। बाबा आया हम बच्चों को संपूर्ण संपन्न बनाकर अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए, तो विशेष बाबा श्रीमत देता, पाप के समान निष्कामी निरहंकारी बनूं, संपूर्ण संपन्न बनने के लिए चलो नहीं उड़ो। देखो बाबा की पांडव सेना बैठी है, शक्तियों की महिमा अपनी है, महावीरों की महिमा भी कम नहीं है। पांच पांडवों में भी हरेक की अपनी अपनी खूबियां हैं। पांडवों के पांच ही गुण हरेक में आ जाएं। भीम भंडारी संभालता है, अर्जुन ज्ञान सुनते सुनते नष्टो मुहा स्मृति लब्धा तक लाने की धुन लगा के बैठा है, नकुल कॉपी करने में होशियार है, सहदेव सदा सहयोगी है, सत धर्म और राज्य के हरेक गुण युधिष्ठिर के साथ साथ हम हर एक पांडव में है और पांडव पति साथ है। शिव बाबा की शक्ति साथ ना होती तो कदम आगे ना बढ़ा सकते, कदम कदम बाबा को फॉलो करते। हमारे सामने तो दिन रात स्वप्न में चाहे संकल्प में बाबा के चरित्र और बाबा के ही बोल हैं। पुरुषार्थ के बगैर एक मिनट भी हमारा ना जाए, इसमें ना सुस्ती है ना बहाना है। पुरुषार्थ करने का टाइम नहीं है, यह शब्द हम नहीं कह सकते। मैं बिजी हूं यह सरकमस्टांस है, अक्ल नहीं है। याद और सेवा दो ही हमारे अंदर हैं। याद भी हमारी ऐसी हो जो बाबा भी मेरे को याद करे, तब कहेंगे मेरी याद ठीक है। तो चेक करते रहो कि बाबा को मेरी याद आती है। भाग्य विधाता के हाथ में हाथ दिया है तो उसने भी साथ दिया है, और फिर गारंटी है जो बाबा ने मुझ आत्मा के प्रति महावाक्य उच्चारे हैं वो काम कर रहे हैं, और किसके वाक्य अंदर जा ही नहीं सकते। अगर और किसी के बोल हमारे अंदर गए तो बाबा के बोल काम नहीं करते। बड़ा खबरदारी की बात है। मैं किसी को समझाऊं, मैंने देखा यह भी व्यर्थ है। उनसे ज्यादा शुद्ध संकल्प श्रेष्ठ भावना काम कर सकती है। अगर चिंतन में लाते तो जो बोलते हैं वो असर नहीं करता है, उसके बजाय पहले हमारा व्यर्थ समाप्त हो। जितना समय मैंने किसी को समझाने का चिंतन किया उतना समय मुझे उसे समझाने का चांस ही नहीं मिलता। अगर मैं उसको समझाऊंगी तो वो कहेगी कि तुम कौन हो, मैं जानती नहीं हूं क्या, तुमको सही बात का पता नहीं है, तो क्या फायदा होगा। उसके बजाय श्रेष्ठ संकल्प समर्थ संकल्प का साथ देना, साथी बनना, इससे आज नहीं तो कल चेंज जरूर होगा। इसमें धीरज की बात है, समय लगेगा पर संकल्प की क्वालिटी श्रेष्ठ भावना शुद्ध भावना की अगर मैंने चेंज किया तो जो बात सामने है उससे मैं सहज पार नहीं हो पाऊंगी। मेरे को पार होना है, ड्रामा अनुसार बात तो पार हो गई लेकिन चिंतन में अभी भी है, तो मेरी स्थिति कैसी है।
अगर मेरी स्थिति ऐसी रही तो उसको फायदा नहीं होगा। अगर श्रेष्ठ भावना शुद्ध भावना होगी तो फायदा होगा। थोड़ा भी डिफेक्ट में आई तो मेरा डिफेक्ट हो जाएगा। इसमें स्वयं को संभालना है। हर्षित मुख रहना पुरुषार्थ की सफलता है। हर्षित मुख तब होगा जब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मेरा स्वधर्म शांत है। मेरा बाबा प्यार का सागर है। जैसे बाबा मुस्कुराते सब काम करता है। मुस्कुराते मुस्कुराते बाबा समझ भी देता है तो शक्ति भी देता है। अगर इतना बाबा से प्यार है तो कहता है मैं बैठा हूं। वो शक्ति दाता है मुस्कुराने की। ड्रामा की हर सीन जो सामने आती है सब दिन होतना एक समान। पढ़ाई है लेकिन परीक्षा ना हो तो पास कैसे होंगे। इसमें भी एक ईर्ष्या दूसरा निराशा। कभी प्रसन्न नहीं रहते। अगर खुद प्रसन्न है परिवार प्रसन्न है सेवा में प्रसन्न है तो बाप दादा प्रसन्न है। ड्रामा में जो बात सामने आई खेल ना समझा तो हार खाई। सीन बहादुर हो गई। अपमान ने इफेक्ट में लाया तो जो स्वमान में रहने की बाबा ने अच्छी सुत्ती घोट के पिलाई है उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत ही नहीं है। अगर सूक्ष्म में जाकर देखें तो पढ़ाई का जो सार है वह बहुत काम कर रहा है। विस्तार में थोड़ा भी जाते हैं तो संकल्प की क्वालिटी नहीं रहती। निष्काम सेवा की स्थिति से नीचे आ जाते हैं। सेवा में निरंकारी भी नहीं रह सकते। एक ही टाइम पर कई प्रकार की सेवा सामने है। बेहद के सेवाधारी हैं। पांच तत्वों के पार रहते हैं। जैसे बाबा बैठा है अनेक प्रकार के बच्चों को देखता है। दुखियों की पुकार सुनता है। हर आत्मा को क्या करना है। हम आत्मा को क्या करना है। हमें कोई जंगल में नहीं जाना है। बाबा हमारे से क्या चाहता है। मैं तो फूल बनूं पर ऐसे फूलों को बाबा के सामने ले जाऊं। बाबा ऐसा है जो कभी हमारे अंदर चाहना पैदा होने नहीं देता है। बाबा जो चाहता है बाबा को जो कराना है उसमें हाजी। मुख से भले नहीं करो पर हाजिर रहो। एक बार बाबा ने मुझे कहा हजूर कोई हुकुम है। तुमने हाजी कहा है ना तो हजूर सदा हाजिर रहेगा। मुझे अपने आप को संभालना है। जो बाबा ने कानों में सुनाया है वही सोचना है वही करना है बस। बाबा ने खुद करके दिखाया है। बाबा जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता। पर सेवा करते जितना निरंकारी निष्कामी रहा है हमें भी उन जैसा ही रहना है तो ही संपन्नता समीप आएगी और हम बाप के समान निष्कामी निरंकारी बन जाएंगे। ये अनमोल शिक्षाएं दादी जानकी जी की हैं जो 15 जुलाई 2006 को दादी जी ने हम बच्चों को सुनाई थी। अच्छा ओम शांति।